इस लेक्चर में हम साइबर क्राइम और साइबर अटैक के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में था और न्यूज़ में रहता ही है, और हर साल यूपीएससी में इसका क्वेश्चन, मेंस में एक क्वेश्चन रहता है जी, GS 3 के पेपर में, जो इकोनॉमी और साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका पेपर है, उसमें हर साल एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, हर साल रहता है साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो मेंस और प्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जी। आप 250 वर्ड में एक आंसर लिख सको, उसके लिए आप इस आंसर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन इसमें। साइबर क्राइम क्या है जी? क्राइम का मतलब अपराध ही होता है। साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम भी बोला जाता है इसे। ये ऐसा क्राइम है दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क, जो कंप्यूटर और नेटवर्क मतलब इंटरनेट के जरिए जो अपराध किए जाते हैं, क्राइम किए जाते हैं, उन्हें ही बोलते हैं साइबर क्राइम। सिंपली ये डेफिनेशन देख सकते हो आप। इसमें क्या है, कंप्यूटर मे हैव बीन यूज इन द कमीशन ऑफ क्राइम और इट मे बी टारगेट। इसमें कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है क्राइम करने के लिए, और टारगेट को, इसमें टारगेट किया जा सकता है किसी भी पर्सन को। साइबर क्राइम में क्या है, किसी भी पर्सन, कंपनी, नेशनल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब किसी भी आदमी, कंपनी को थ्रेटन किया जा सकता है, धमकी दी जा सकती है, उसका डेटा चोरी किया जा सकता है। डेटा आपके जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, आपकी PDF फाइल को भी डॉक्यूमेंट, या नेशनल सिक्योरिटी को कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो किसी को भी इसमें थ्रेट किया जा सकता है साइबर सिक्योरिटी के जरिए। इसमें जी एक टर्म यूज होती है फिशिंग, जिसे विशिंग भी बोला जाता है, स्मिशिंग या फार्मिंग भी कहा जाता है। ये चारों एक ही चीज़ है जी। इसका क्या मतलब है, फिशिंग इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ साइबर क्रिमिनल फॉर हैकर अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर यूजर। फिशिंग का मतलब है जी, साइबर क्राइम करने के लिए जो साइबर क्रिमिनल होता है, जो हैकर होता है जी, हैकर का मतलब है जी जो हैक करता है सिस्टम को, मतलब चोरी करता है, जो डेटा स्टील करता है आपका, वो हैकर। ये हैकर जो भी काम करता है, हैकिंग करता है आपके कंप्यूटर में, सेंसिटिव डेटा को ले लेता है, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी, या कंप्यूटर यूजर की कोई और अदर इन्फॉर्मेशन है, उसको चोरी कर लेता है, इसी प्रैक्टिस को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फिशिंग। मतलब हैकिंग करना जो प्रोसेस है, उसको फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग या फार्मिंग बोलते हैं। अब ये बहुत तरीके से किया जा सकता है, डिफरेंट मेथड होते हैं इस चीज़ के। कौन से हैं जी डिफरेंट टाइप के मेथड, वो देखते हैं। ये जी मालवेयर प्रोग्राम यूज होते हैं। मालवेयर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं जी? इसमें आते हैं जी आपके वायरस, या रैंसमवेयर, स्कैरवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन या एडवेयर। इनको एक एक करके समझते हैं। पहला जी वायरस। वायरस क्या होता है जी? जैसे आपको क्या है जी, जो भी हैक करेगा आपके सिस्टम को, एक ईमेल भेजेगा जी, आपकी ईमेल आईडी होगी ना, जैसे गूगल की ईमेल आईडी, आपको एक ईमेल भेजेगा, जैसे आपको जैसे फ़ोन पे मैसेज आते हैं ना, ऐसे ईमेल आएगी आपके पास। ईमेल पे क्या है, वायरस उसमें डाल देगा जो हैकर होगा। वो क्या है, ये वायरस आपके सिस्टम में आकर आपके पूरे सॉफ्टवेयर को इनक्रप्ट कर देगा, मतलब आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके जो भी इमेज फाइल है सबको ख़राब कर देगा, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबको ख़राब कर देगा। इस तरह से वायरस आपके पूरे सिस्टम को हैंग कर देगा जी, एक तरह से जाम कर देगा। आपको दोबारा से सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इस तरह से वायरस क्या है, अटैक करते हैं आपके कंप्यूटर पर, या मोबाइल पर भी कर सकते हैं जी आजकल तो। रैंसमवेयर क्या है जी? रैंसमवेयर में यू होता है जी, जैसे आपने कोई अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाया हुआ है, तो उसको क्या है, पासवर्ड को चेंज कर देंगे हैकर्स, इंटरनेट के जरिए हैकिंग कर लेंगे आपके सिस्टम को। या फिर आपने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ है, तो जब आप कंप्यूटर को खोलोगे तो आपको उससे पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड मांगेगा उसमें लिखा आएगा कि आप रैंसम दो। रैंसम का मतलब है जी फिरौती, के पैसा दो हमें, मनी दो, तभी आपका कंप्यूटर खुलेगा, नहीं तो आपका डेटा चोरी कर लेंगे हम, इमेज वगैरह डिलीट कर देंगे, और आपको ना धमकी देने के लिए आपको इमेज वगैरह डिलीट करके दिखाएगा आपकी, देखो जी ये आपकी इमेज डिलीट कर दी, ये वीडियो कर दी, तो आप टेंशन में आ जाओगे और जितने पैसे मांगेगा दे दोगे आप, और ये अपनी टारगेट पूरा कर लेगा। तो रैंसम वेयर में ऐसे अटैक करते हैं। फिर है जी स्केयरवेयर। स्केयरवेयर में क्या करते हैं, इसमें जी एक क्रिएट किया जाएगा पेज, मतलब जैसे अमेजन की साइट है जी, उस पर क्या आप प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हो, तो इसमें भी क्या है जी, एक अमेजन की डुप्लीकेट साइट मान लो क्रिएट कर ली, उस पर लिखा आएगा, मान लो कोई सा आप साइट विजिट करोगे, गूगल खोलोगे, कुछ भी, वहाँ लिखा आएगा आपके कंप्यूटर पर, फ्लैश करता रहेगा कि अमेजन की साइट, और इस पर आपको 80% 19% क्या है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इस पे आएगा 50,000 का फ़ोन सिर्फ आज के लिए ऑफर है, 5,000 में खरीदिए, सिर्फ 5,000 में खरीदिए 50,000 का मोबाइल फ़ोन। तो आप परचेज़ करने के लिए साइट पे जाओगे, खोलोगे, लेकिन वो फेक साइट है, फेक सारा कुछ है अमेजन का उसी के नाम से। तो आप क्या है, 5,000 आप पे कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, आपकी पेमेंट डूब गई, ना तो मोबाइल मिलेगा ना ही पैसे वापस। तो इस तरह से क्या, फेक का मतलब नकली पेज, फेक पेज इसमें क्रिएट करके आपको पागल बना दिया जाता है, और आपके पैसे लूट लिए जाते हैं स्केयरवेयर के जरिए। एक है जी स्पायरवेयर। इसमें क्या है जी, स्पाई करते हैं, जासूसी करते हैं कम्युनिकेशन की, इंटरेक्शन की, मतलब आप कहाँ कहाँ आपके कंप्यूटर से इंटरनेट के जरिए किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, किससे बातचीत कर रहे हो, किससे चैटिंग कर रहे हो, मोबाइल से किससे बात कर रहे हो, फेसबुक पर किससे कर रहे हो, सारा इसमें जासूसी किया जाता है इसमें, इसके जरिए स्पायवेयर के जरिए।
एक होता है जी ट्रोजन। ट्रोजन में क्या होता है, आपका जो भी डेटा होता है उसको स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, स्पाई करते हैं, जासूसी कर लेते हैं, या आपके कंप्यूटर को क्रैश कर देते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारा डेटा। फिर होता है जी एडवेयर। एड के नाम में ही छुपा है जी इसका, एडवेयर मतलब एड क्रिएट करते हैं जी, बार बार एड आती रहेगी जी आपके पास, अनवांटेड एड दिखाते रहेंगे आपको आपके कंप्यूटर में। जब भी कोई साइट वगैरह खोलोगे तो उससे क्या मनी बनाते रहते हैं, आप एड पे जैसे क्लिक करोगे तो मनी वगैरह क्रिएट करते रहते हैं ये। तो ये होते हैं जी फंक्शन, इसके डिफरेंट टाइप के मालवेयर होते हैं ये। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं जी इसको रोकने के, कुछ कदम उठाए हैं जी गवर्नमेंट ने, स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, साइबर क्राइम है जो इसको रोकने के लिए। बिल्कुल जी गवर्नमेंट ने लिए हैं जी, आप एज इट इज़ इन स्टेप को अगर पूछे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं यूपीएससी में पूछा जाए, एज इट लिख सकते हो। एक स्टेप है जी ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये पोर्टल बनाया जी ऑनलाइन, मतलब एक साइट ही है जी जैसे गूगल की साइट है, आप विजिट कर सकते हो इसे। आप इसमें कंप्लेंट लिखा सकते हो जब भी आपके साथ कोई भी क्राइम हो, किससे रिलेटेड, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी का मतलब है जी चाइल्ड की, बच्चों की गंदी नंगी तस्वीरें कोई डाल रहा है और आपके कोई बच्चा है, तो आप क्राइम यहाँ पे कंप्लेंट लिखा सकते हो। या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल डाल रहा है, या रेप या गैंग रेप इमेज डाल रहा है, कोई इमेज डाल रहा है जी रेप की या गैंग रेप इमेज की, और जिसका भी विक्टिम है, जो भी जिसका रेप वगैरह हुआ है, अगर वो उसे नहीं लगे तो वो कंप्लेंट कर सकता है जी इसके खिलाफ इस पोर्टल पे जाके। या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट डाल रहा है तो कंप्लेंट कर सकते हो आप। एक स्कीम है जी गवर्नमेंट की, उसमें एस्टेब्लिश किया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एक सेंटर गवर्नमेंट ने स्थापना किया जी, एस्टेब्लिशमेंट किया है, किस लिए, ताकि जो जितने भी साइबर क्राइम के कंट्री में इश्यूज़ हैं उनको हैंडल किया जा सके इन ए कॉम्प्रीहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में। नेक्स्ट क्या जी, नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये क्या करेगा जी, जितनी भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंट्री में, हमारे देश में जितनी भी आवश्यक सूचना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट है जी, अगर मान लो किसी कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है, मान लो जी ऑनलाइन शॉपिंग देती है, या फिर डिजिटल कोई फैसिलिटी देती है, ऑनलाइन आपको गाइडेंस देती है, कुछ भी देती है, या एजुकेशन देती है, आप डिजिटली ऑनलाइन पढ़ रहे हो जी, आपकी साइट वगैरह किसी को मान लो कोई हैक कर लीजिए आपकी साइट को, तो आप इस साइबर क्राइम का जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करोगे जी सर्टिन में। सर्टिन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जी इंडिया की, इंडिया ने बनाया गया था। तो आप एक्सपेडिशियसली रिपोर्ट करोगे, एक्सपेडिशियसली का मतलब है जी सून, मतलब जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करोगे ताकि ये हैंडल कर सके उस केस को। एक बनाया जी साइबर स्वच्छता केंद्र। स्वच्छता केंद्र का मतलब है जी बॉट नेट क्लीनिंग या मालवेयर एनालिसिस सेंटर। मान लो जो भी मालवेयर आपके कुछ वायरस आया सिस्टम में, वो क्या जी ये डिटेक्ट करेगा, उसका डिटेक्शन करेगा, पता लगाएगा ऐसे मेलिशियस प्रोग्राम का, जो भी वायरस वगैरह है, स्पाईवेयर है, कुछ भी है, ट्रोजन है, और उसे साफ कर देगा, रिमूव कर देगा वहाँ से सिस्टम से। फ्री टूल्स टू रिमूव सच प्रोग्राम। अब जी एक है क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने, किसके लिए, ताकि साइबर अटैक्स और साइबर टेररिज्म को काउंटर किया जा सके, मतलब इनसे लड़ा जा सके साइबर अटैक से और साइबर टेररिज्म से। अब और क्या करने की ज़रूरत है जी, ये तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हुए हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, और क्या किया जाना चाहिए, और क्या किया जाना चाहिए जी, रेगुलरली इशू अलर्ट्स एंड एडवाइजरी। क्या जी समय समय पर गवर्नमेंट को क्या है, साइबर क्राइम से रिलेटेड लोगों को जागरूक करना चाहिए, अलर्ट मतलब एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि लोगों को कैसे कैसे बच सकते हैं जो क्राइम होते हैं साइबर क्राइम। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, प्रोसिक्यूटर्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, जितने भी जुडिशियल स्टाफ है जी, ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, या फिर आपके टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के कोई लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल कर्मचारी हैं जी, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग देनी चाहिए जी, साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहिए कैसे इससे लड़ा जा सकता है और कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, अगर कोई साइबर क्राइम हो, हैकिंग हो, तो कैसे बचा जा सकता है, उनको सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए। इम्प्रूविंग साइबर फोरेंसिक फैसिलिटी, फोरेंसिक का मतलब है जी साइंटिफिक, साइंटिफिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जी साइबर क्राइम से रिलेटेड, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। स्पीड अप इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच को स्पीड अप करना चाहिए, मान लो कोई साइबर क्राइम हुआ है, हैकिंग हुआ है, जल्दी से जल्दी उसकी जाँच हो और उस पर क्या है स्टेप लिए जाएँ उसको रोकने के लिए। फाइनली पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट। आपको पता होगा जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल है, उनमें से 7th शेड्यूल है जिसमें तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और जो जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती है लॉ। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ, तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकती हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का करेगा। लेकिन जो इन तीनों में विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, उस पर वो आता है जी रेजिडरी पावर में, और रेजिडरी पावर है जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रेजिडरी पावर आर्टिकल 248 के अंदर दिया गया है जी कॉन्स्टिट्यूशन में 248। और इसमें क्या है जी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या है लॉ बना सकती है। जैसे मान लो जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था तब थोड़ी ना साइबर अटैक होते थे, तब थोड़ी ना इंटरनेट था, इंटरनेट तो बाद में आया ना जी,
तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है जी, लेकिन जो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यूटी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रिवेंशन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स, जो भी बाकी के अपराध है ना साइबर क्राइम के रिलेटेड उन्हें छोड़ दें, साइबर क्राइम को छोड़ दें, बाकी के जो अपराध हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के लिए, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी है उनको एम्पावर किया जा सके और उन पर कोई एक्शन ले सके। तो साइबर क्राइम का आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में, और जो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर बाकी के हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही जी, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतजार।